दोस्तों आरआरआर जो है अभी थिएटर्स में धूम मचा रही है, हर रोज नया रिकॉर्ड कायम कर रही है। लेकिन इसी बीच यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। अब केजीएफ कैसे निकल गई है आरआरआर से आगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरआर फिल्म ने रिलीज होते ही पहले ही दिन 220 करोड़ का बिजनेस कर लिया था पूरे भारत से, दूसरे दिन 150 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था। तो हर रोज नया नया रिकॉर्ड कर रही है आरआरआर। अब यहाँ पर जो रिकॉर्ड टूटा है आरआरआर का, वो केजीएफ 2 के ट्रेलर ने तोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर की, 27 मार्च के दिन 6:40 पर केजीएफ चैप्टर 2 का ट्रेलर तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुआ। तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की अगर दोस्तों बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे में, जी हाँ दोस्तों, सॉरी माय मिस्टेक, 22 घंटे नहीं, सिर्फ 14 घंटे में इस ट्रेलर ने 26 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिए थे। हिंदी लैंग्वेज की बात करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे में 26 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिए है केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर ने। आरआरआर की बात करें तो आरआरआर का 1 मंथ का जो व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 18 मिलियन व्यू है। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल आर का ट्रेलर हिंदी लैंग्वेज में 1 महीने में सिर्फ 18 मिलियन व्यू क्रॉस कर पाया है। और ये ट्रेलर दोस्तों यूट्यूब की सबसे बड़ी चैनल टी सीरीज की ऊपर रिलीज हुआ था। ट्रिपल आर का जो ट्रेलर है वो यूट्यूब की सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल टी सीरीज ऊपर के ऊपर रिलीज हुआ था, यानी कि अपलोड हुआ था। फिर भी सिर्फ 1 महीने के अंदर 18 मिलियन व्यू और केजीएफ चैप्टर 2 जो कि एक्सेल एंटरटेनमेंट पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुआ था, सिर्फ 14 घंटे में 26 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिया। तो ट्रेलर देख के ही पता चलता है कि कितना क्रेज है केजीएफ चैप्टर 2 का पब्लिक के माइंड में। रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा अब कौन से नए रिकॉर्ड कायम करती है यश की फिल्म केजीएफ। धन्यवाद।